नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं आपकी मेजबान सिमरन सिंह। आप सब हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 9 पर। यहां हमसे जुड़ने का एक और जरिया है, आप जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी ऑफिशियल। तो अगले आधे घंटे के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का एक खास सत्र। आप जानते हैं कि लगातार कक्षा 9वीं 7वीं 8वीं अलग अलग कक्षा के बच्चों के लिए हम लेकर आते हैं हिंदी की कुछ खास कविताएं। तो आज कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए कौन सी कविता है, चलिए उस पर बातचीत करते हैं। अरुण कमल जी की दो कविताएं हैं जिनके शीर्षक हैं, पहली कविता है नए इलाके में और दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हार। और हमारे साथ हमेशा की तरह एक मेहमान भी मौजूद हैं जो आपको विस्तारित रूप से ये दोनों कविताओं का भावार्थ करके समझाएंगे। हमारे साथ हैं स्टूडियो में श्री आशीष कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्र में। सर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस एनसीईआरटी से हैं, और यदि पूरे सत्र के दौरान आपके कोई भी सवाल हो तो बेझिझक लिख भेजिएगा एनसीईआरटी ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में। इसके अतिरिक्त एक कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर जो है 8800440559। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 9 पर, हम कोशिश यही करते हैं कि आपके सभी सवालों को अपने सत्र में शामिल करें। पर आपके कोई ऐसे सवाल हो जिनका जवाब हम आप तक ना पहुंचा पाएं अपने इस सत्र के दौरान, तो एक मेल आईडी भी आप नोट कर लीजिएगा। हमारा मेल आईडी है dth.class9@ciet.nic.in। तो सर आज जो हम कविताएं पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही मशहूर हैं, इनके नाम हमने बहुत पहले से सुने हुए हैं, और मुझे याद है कि बचपन में 9वीं कक्षा में मैंने भी ये कविताएं पढ़ी थी। तो सबसे पहले अपने बच्चों को बता देते हैं जितने भी विद्यार्थी ये कार्यक्रम देख रहे हैं कि आज हम क्या सीखेंगे इस सत्र में। जी बिल्कुल, आज कक्षा 9वीं की जो किताब है स्पर्श भाग 1, उसमें पाठ जो आपका 13 है अंतिम पाठ, उसमें अरुण कमल जी की दो कविताएं हैं। पहली कविता है नए इलाके में, दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से, पहली कविता में हम देखेंगे नए इलाके में कि किस तरीके से नए नए जब बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वैश्वीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से बदलाव आते जा रहे हैं और हम पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। और दूसरी कविता में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो अगरबत्ती बनाने का काम होता है वो निम्न वर्ग द्वारा होता है, और वह पूरे समाज में, पूरे हमारे उच्च वर्ग हो चाहे मध्य वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, सभी के लिए वे खुशबू फैलाने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं कवि का। हम हमेशा पढ़ते हैं कि दोनों कविताओं के बारे में आपने समझा दिया संक्षिप्त रूप से, सबसे पहले जानते हैं इनकी कवि के बारे में, उनका परिचय कराएं हमारे विद्यार्थियों। जी सबसे पहले हम कवि का परिचय देख लेते हैं। तो हमारे कवि हैं अरुण कमल जी। अरुण कमल जी का जन्म बिहार के रोहतास जिले में नसीरगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया। अरुण कमल की प्रमुख कृतियां हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में जो हम आज पढ़ने वाले हैं, पुतली में संसार, ये चारों इनका कविता संग्रह है, तथा कविता और समय आलोचनात्मक कृति है। इसके अलावा अरुण कमल जी ने माइकोवास्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में, और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया जो वॉइसेज नाम से प्रकाशित हुआ है। इनकी कविताओं में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के बिंब पाए जाते हैं। इनकी कविता में हम नियमित रूप से बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली का ही प्रयोग पाते हैं। इनकी कविताओं के बारे में बोला जाता है कि जितनी इनकी आप बीती है उतनी ही समाज के द्वारा भी या जग बीती भी है, क्योंकि जो समाज में हमारे आसपास में घटित हो रहा है उसको इन्होंने कविताओं में, कविता का अपना रूप दिया है, उनको कविता का विषय बनाया है। तो समाज के जो भी प्रसंग हैं, जैसे हमारी आज की कविता है कि नए नए जो विकास होता जा रहा है जिस तरीके से, तो हम पुरानी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, तो उसको उन्होंने कविता का विषय बनाया है। तो चलिए अब हम लोग, जैसा आपने बताया कि खड़ी बोली में ये ज्यादातर अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं करते थे, तो मुझे लगता है इसे समझने में थोड़ा ज्यादा आसान होता। जी बिल्कुल आसान है, और ये समकालीन कविता है क्योंकि आज के समय की कविता है, जो अभी समय चल रहा है उसकी कविता है, तो बहुत ही आसानी से बच्चे समझ जाएंगे, और हम पूरे सभी को, जो दर्शक हैं, सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर हम कौन सी कविता पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम नए इलाके में कविता को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल।
तो हमारी कविता जो है, तो सबसे पहले हम कविता पढ़ने जा रहे हैं नए इलाके में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इसके कवि हैं अरुण कमल जी, और सर ने बहुत ही उम्दा तरीके से हमें बताया। नए इलाके में जो कविता है हमारी, वो जो नया नया कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, जैसे कि आप नियमित रूप से देख रहे हैं कि कहीं नई बिल्डिंग बन जा रही है, पुरानी बिल्डिंग जिस तरीके से खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, हम देखते हैं कि नया नया, जैसे हम पहले देखते थे कि इस पेड़ के बाद हमारा जो घर है वो पेड़ के बाद है, या इस अगली गली में हमारा घर है, तो जब नया कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो घर कहीं ना कहीं दूसरी जगह पहुंच जाता है, वो उसकी लोकेशन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, स्मृतियों में नहीं रहती है, क्योंकि वो बदलाव आता जाता है। तो इस कविता में हम यही पाएंगे कि किस तरीके से बदलाव हमारे लिए लाभप्रद है और हानिकारक है, उस चीज़ को हम देखेंगे, और देखेंगे कि जब नए नया विकास हो जाता है तो हम पुरानी चीजों को कैसे कैसे भूलने लगते हैं। और इसका शीर्षक भी बहुत दिलचस्प है, हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कौन से नए इलाके हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन के माध्यम से और बेहतर तरीके से हम जी जी समझ बिल्कुल सकते हैं। तो शुरू करते हैं, हम कविता को पढ़ते हैं। नए इलाके में, इस नए बस्ते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। तो अरुण कमल जी हैं जो कह रहे हैं कि इन नए बस्ते इलाकों में, जो नए नए तरीके से बस्ते जा रहे हैं इलाके, उसमें वे रोज रोज जो नए मकान बनते हुए देख रहे हैं, उसमें वो निरंतर रूप से वो रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि नया मकान बन जाता है तो वो भूल जाते हैं कि आगे कौन सा मकान था या उनका मकान कौन सा था। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। तो कह रहे हैं कि धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, क्योंकि जो पुराने निशान है, मान लीजिए कि पुराना कोई घर था, जो ढहा हुआ घर है या पीपल का पेड़ है, वो कहीं ना कहीं उसकी जगह दूसरी नई बिल्डिंग बन गई है, नया कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो वो भूल जाते हैं कि, क्योंकि वो धोखा खा जाते हैं, उनको उनकी स्मृति में है कि वहाँ पे एक पुराना मकान है जिसके आगे उनको जाना है, तो वो धोखा खा जाते हैं। सभी लैंडमार्क्स लगा लेते हैं, निशानियां लगा लेते हैं कि उस दुकान के सामने वाला, वहां से उस गली से बाएं मुड़ने पर ये दुकान आ जाएगी। जी बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, तो जो पुराने निशान है, जैसे इन्होंने पुराने निशान में कहा है पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, जमीन का खाली टुकड़ा है और बिना रंग वाला रंगा हुआ फाटक है, तो वो कह रहे हैं कि धोखा दे जाते हैं, क्योंकि वो जब बदल जाएगा वो उस स्थान पर ही नहीं रहेगा, तो वो कह रहे हैं कि जो पुराने निशान है वो खो जाते हैं, वो धोखा दे जाते हैं। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, वो कह रहे हैं कि मैं निरंतर रूप से पीपल का पेड़ को ढूंढ रहा हूँ जो पहले हुआ करता था। पीपल का पेड़, यदि आप देखते हैं तो पीपल का पेड़ बहुत लंबे समय तक रहता है जी, और उसकी सभी पूजा भी करते हैं, और बहुत ही मतलब एक लंबा समय पीपल का पेड़ व्यतीत करता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, क्योंकि वो पीपल का पेड़ तो लंबे समय तक रह सकता था, लेकिन जो नियमित रूप से निर्माण कार्य हो रहा है उसमें पीपल का पेड़ कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। खोजता हूँ ढहा हुआ घर, जो उनके सामने घर टूट गए थे, वो कह रहे हैं कि मैं उस घर को भी देख रहा हूँ जो टूट चुका था पहले, उसकी जगह क्योंकि नया कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो वो नए पुराने घर को देख रहे हैं कि उसके आगे मुझे जाना था। और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे, और वो क्योंकि आपने देखा होगा कि प्लॉट पड़े होते हैं बीच में, जमीन के खाली जगह पड़ी होती है, हमारे खेत होते हैं, तो उनकी जगह अब कंस्ट्रक्शन होने लगा है, तो वो कह रहे हैं कि ढूंढता हूँ जमीन का वो खाली टुकड़ा जहां से मुड़ना था मुझे। तो जहां से उनको मुड़ना था वो जमीन का खाली टुकड़ा भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो अब एक बिल्डिंग में या किसी और चीज में बदल चुका है, तो वो उसको भी ढूंढ रहे हैं। फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। फिर वो कह रहे हैं कि दो मकान बाद मुझे याद था कि बिना रंगे हुए फाटक का एक मकान था एक मंजिल का, वो भी नहीं रहा इस बदलाव के दौर में। एक मंजिला यानी जिसमें सिर्फ फर्स्ट फ्लोर। हाँ जी बिल्कुल, जिसमें एक मंजिल हो, उस मकान को उन्होंने देखा। आगे देखते हैं। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या दो घर आगे ठकमकाता, यानी वो कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे चलते चलते कभी कभी एक घर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके वो जो लैंडमार्क उन्होंने बना रखे थे, जो निशानियां उनकी थी,
वो कहीं ना कहीं खो गई हैं, तो वो कह रहे हैं कि कभी कभी एक घर पीछे रह जाता हूँ, कभी दो घर आगे निकल जाता हूँ और मैं ऐसे ही चलता जाता हूँ धीमे धीमे। कहीं ना कहीं वो उन स्थितियों को देख रहे हैं कि जिस तरीके से बदलाव आ रहा है समाज में, हमारे आसपास भी जो बदलाव आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो हम जैसे चल रहे हैं तो हमें मालूम है कि हमें इतने कदम जाने पर वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन हम जब उतने कदम चलते हैं तो वो चीज़ नहीं मिल पाती है हमें। इसलिए वो उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे वो चलते जा रहे हैं और कभी कभी एक कदम पीछे रह जाते हैं और कभी दो कदम आगे भी निकल जाते हैं। आगे है, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। वो कह रहे हैं कि रोज प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ बन जा रहा है, आज एक आज देख के गए थे तो अगले दिन यहाँ कुछ और हो जा रहा है, बहुत तेजी से जो बदलाव हो रहा है उसको उन्होंने बताया कि यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। जो पुराने घर थे उनकी जगह नए घर बनते जा रहे हैं, जो पेड़ थे उनकी जगह बिल्डिंग बनती जा रही हैं, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। वो कह रहे हैं कि जो हमारी स्मृतियों में था कि एक दुकान बाद घर है, एक खाली जगह बाद घर है या पेड़ के बाद घर है, तो वो स्मृति कहीं ना कहीं धोखा दे जाती है, क्योंकि स्मृति में तो हमारे वही है जो हमने सोच के रखा है, लेकिन वास्तव में वो बदलाव के कारण वो चीज़ बची नहीं है हमारे आसपास में, तो कहीं ना कहीं स्मृति धोखा दे जाती है। आगे चलते हैं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादव को लौटा हूँ, अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। तो उन्होंने कहा है कि एक ही दिन में इतना सारा बदलाव हो जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे बसंत का गया हुआ था और पतझड़ को लौटा हूँ, क्योंकि ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है वो धीमे धीमे होता है। जो बसंत है उसके बहुत उससे पहले ही पतझड़ आता, तो वो कह रहे हैं कि पूरा लग रहा है कि एक बार बसंत में आया था, उसके बाद अब मैं पतझड़ में आ गया हूँ। तो जो बदलाव इतनी तेजी से आ रहा है, जैसे कि आप देखते हैं कि इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि अचानक से अगर मौसम में बदलाव होता है तो हमारे कहीं ना कहीं तबीयत खराब होने लगती है हमारे, उसी प्रकार से मन की जो स्थिति है उसको उन्होंने दर्शाया है कि जैसे ही मैं एक ही दिन में इतना बदलाव देख ले रहा हूँ कि बसंत से लग रहा है कि पतझड़ में आ गया हूँ या बैसाख से लग रहा है कि भादों में आ गया हूँ, तो वो जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान कर रहा है। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। वो कह रहे हैं कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है, क्योंकि जो निशानियां और जो मैंने मार्क बनाए हुए थे वो कहीं ना कहीं खो गए हैं, वो स्मृतियां भी कहीं ना कहीं खोती चली जा रही हैं। कि तो वो कह रहे हैं कि अब यही एकमात्र उपाय बचा है कि दरवाजा खटखटाओ और पूछो कि यह वही घर है जहां मुझे जाना है। वो तो लेखक को कहीं ना कहीं ये दुविधा भी है कि देखिए इतनी तेजी से बदलाव जो आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं पुरानी चीजें खोती जा रही हैं, हमारे समाज की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बदलाव के कारण कहीं ना कहीं गुम होती जा रही हैं, तो उस चीज को लेखक ने इसमें प्रदर्शित किया है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो अब लेखक ने कहा है कि समय बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत समय से उस जगह को ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहां उन्हें जाना था, जिनकी जहां उनको पहुंचना था, उस जगह को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, और कह रहे हैं कि आकाश में बादल आ गए। इन्होंने आकाश को आकाश लिखा हुआ है, इसमें सीटी वाली सा की जगह सामान जो सा है उसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोक को दर्शा रहा है कि लोक में जिस तरीके की बातें, जिस तरीके से हम बात करते हैं उसको प्रदर्शित करने का काम किया जा रहा है आम बोलचाल की भाषा में, क्योंकि सीटी वाला सा कई जगह नहीं बोला जाता है, वो सामान सा का ही प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत समय हो गया है, उनका बहुत समय बीत चुका है, अब अगर कोई पुकार लेता है या ऊपर से कोई पहचान लेता है, मान लीजिए कोई छत पर खड़ा है या कहीं दूर है उसको पहचान लेता है, तो ही वे उस मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं कि बहुत समय हो गया है और बादल भी आ रहे हैं, तेजी से बारिश भी हो सकती है। आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, यानी कि जो आकाश है उसमें बादल आ रहे हैं, पानी कहीं ना कहीं बरसने की उम्मीद है, तो कहीं उनको कोई पुकार ले ताकि वह अपनी जहाँ पे उनको पहुंचना है, लोकेशन जो है उनकी, वहां पर वे पहुंच जाएं। तो एक ये हमारी कविता थी, जो हमारी पहली कविता है वो ये थी। इसके अलावा अब हम शुरू कर लेते हैं दूसरी कविता भी, उसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। बिल्कुल। तो अगली कविता हमारी है, खुशबू रचते हैं हाथ,
इस कविता में जो हमारे अरुण कमल जी हैं, इन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से निम्न वर्ग जो है वो हमारे समाज के लिए उन चीजों का निर्माण कर रहा है। जैसे इस कविता में दिखाया है कि अगरबत्ती का निर्माण कर रहा है, उसी प्रकार अन्य चीजों का भी निर्माण करता है, जैसे छोटी छोटी चीजें जैसे माचिस हो गई या अन्य जो भी छोटी चीजें हैं जो घरेलू प्रयोग के लिए हम नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, उनका निर्माण कर रहा है। तो अरुण कमल जी ने इस कविता में दिखाया है कि जो पूरे समाज में पूरे सब जगह खुशबू बिखेरने का काम कर रही है, वो जो अगरबत्ती है वो कहाँ से बन के आ रही है। तो पढ़ते हैं कविता को, देखते हैं कि अगरबत्ती कहाँ से बन रही है, कैसे बन रही है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो उन्होंने बताया है कि कई गलियों के बीच, आपने देखा होगा कि जो स्लम एरिया होता है जिसको झुग्गी झोपड़ी का एरिया बोलते हैं, फोटोग्राफ से भी आपने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, फोटो में भी वो दिख रहा है आपको। तो जो झुग्गी झोपड़ी या स्लम का एरिया होता है उसमें आप देखते हैं कि पतली पतली गलियों के बीच में और नाले के पास में होता है, जहाँ पे शहर का पूरा कूड़ा एक जगह एकत्रित होता है। तो लिखा हुआ है, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो वो यह वो जगह है जहाँ पर शहर का पूरा कूड़ा आ रहा है, जहाँ पर भाप भरी बदबू फैल रही है, पूरे में एक बहुत ही विकृतिपूर्ण माहौल है, हर चीज़ यहाँ वहाँ बिखरी हुई है, हर जगह मतलब बदबू फैल रही है, गंदगी फैली हुई है। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो खुशबू रचने वाले हाथ हैं, वे लोग अगरबत्तियों को बना रहे हैं और खुशबू रचने का काम कर रहे हैं नियमित रूप से। आगे चलते हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। तो कभी आपने मजदूर के हाथ देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि उनकी नसें जो हैं वो नियमित रूप से काम करते करते उभर के सामने आ जाती हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि उभरी नसों वाले हाथ, तो जो मजदूरों के हाथ होते हैं उनमें नसें कहीं ना कहीं बाहर दिखने लगती हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, आपने देखा होगा कि जो नियमित रूप से छोटा काम करते हैं उनके नाखून घिस जाते हैं, और जो मजदूर होते हैं जो जिस तरीके से काम करते हैं, जिस जो इन्होंने दिखाया कि अगरबत्ती बनाने वाले मजदूर हैं जो उस अगरबत्ती को बना रहे हैं, नियमित रूप से मसाले को भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नाखून जो हैं वो घिसते जा रहे हैं। इसके आगे, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। अब देखिए समाज में किस तरीके की विडंबना है कि छोटे बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है इस समाज में, निम्न वर्ग के जो स्थितियां हैं, क्योंकि समाज में निम्न वर्ग की स्थिति बहुत ही दयनीय है और उनके पास खाने के लिए भी बहुत ही दिक्कतें हैं। तो इस कारण उनके जो छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ पीपल के पत्ते की तरह नए नए कोमल हैं, उनको भी इसमें काम करना पड़ रहा है। साथ ही जूही की कली, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जो लड़कियाँ हैं जो अभी थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई हैं, उनके जो हाथ होते हैं वो जूही की डाल की तरह पतले होते हैं, उनसे भी वही काम करवाया जा रहा है। क्योंकि समाज की स्थिति जो है उसमें निम्न वर्ग यदि सब को हम देखते हैं तो उसमें धन निर्धनता बहुत ही अधिक व्याप्त है, तो उसको खत्म करने के लिए और नियमित रूप से उनको खाना और अपना एसेंशियल चीज़ों को पाने के लिए उनको कहीं ना कहीं बच्चों को भी काम पे लगाना पड़ता है, कि मजबूरी के कारण। जी बिल्कुल, मजबूरी के कारण करना पड़ता है। तो उसमें इन्होंने लिखा है कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ। तो जो बच्चे हैं उनके हाथ छोटे छोटे हैं, पीपल के पत्ते की तरह नाजुक हैं, और जूही की डाल की तरह जो लड़कियों के हाथ हैं वो जूही की डाल की तरह पतले और खुशबूदार हाथ हैं। आगे चलते हैं, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो अब जब नियमित रूप से मजदूरी का काम कर रहे हैं, नियमित रूप से वो अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो हाथ हैं वो कट जाते हैं। जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें कुछ लग जाता है उनके हाथ में, तो कट पिट जाते हैं, जख्म से भरे हुए हाथ होते हैं, जख्म से फट जाते हैं, और उनका वो ध्यान भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ध्यान रखने का समय ही उनके पास नहीं होता है। वह नियमित रूप से उन हाथों को उसी तरीके से प्रयोग करते जाते हैं और उनके हाथ एक कठोर हाथ के में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह खुशबू रचते हैं,
लेखक ने लिखा है कि वे नियमित रूप से अगरबत्तियों को बनाते जाते हैं और खुशबू रचते जाते हैं, खुशबू को फैलाते जाते हैं हमारे समाज में चारों तरफ। आगे बढ़ते हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। तो लेखक ने कहा है कि ये जो आपने इलाका अभी तक समझा है, जो स्लम का एरिया है जहां पर झुग्गी में लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, यही मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। यही वो जगह है जहां पर पूरे देश की जो अगरबत्तियां हैं वो इस तरीके से ही बनाई जाती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों में के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की अगरबत्तियां। तो यही वो जगह है, यही वो लोग हैं जिनको गंदे लोग कहा जाता है समाज में, जो देखने में लगता है कि फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं या गंदे दिख रहे हैं, उन वही लोग हैं जो पूरे समाज में सुगंध और खुशबू फैलाने का काम कर रहे हैं, जो केवड़ा, गुलाब और खस और रात रानी की अगरबत्तियां बना रहे हैं। दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो आपने देखा कि जो लोग समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं, जो इस स्थिति में रह रहे हैं जहाँ पर रहना बहुत ही खराब माना जाता है, बहुत ही स्थिति खराब है, जहाँ पर मूल जो हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं वो भी सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, उस जगह में जो लोग रहते हैं वह दुनिया को खुशबू फैलाने का काम कर रहे हैं। वह नियमित रूप से खुशबू रच रहे हैं, खुशबू रचते हुए उन्होंने वो अगरबत्तियाँ बना रहे हैं। या इसके माध्यम से कभी ये भी कहना चाहता है कि सिर्फ अगरबत्ती ही नहीं, वो दुनिया की ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो नियमित रूप से हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें छोटी माचिस से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों के जो पार्ट होते हैं, वो मशीनों के पार्ट वगैरह भी वो बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो जो लोग हैं जिनको हम गंदा लोग कहते हैं, गंदे लोग कहते हैं, जो इस स्थिति में रहते हैं, वे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए खुशबू का को रचने का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी लिखा है खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो देखिए कैसी समाज की विडंबना है कि जो निम्न वर्ग है, जो उस चीज को बना रहा है, जो पूरे समाज में खुशबू बिखेर रहा है, वही कहीं ना कहीं उस खुशबू का उपभोग सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। वही उस स्थिति में है जहां पर वो सभी के लिए बनाता जा रहा है, सभी के लिए चीजें बनाता जा रहा है। तो कुछ सवाल भी है हमारे पास, कुछ गतिविधियां हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए, चलिए उन पर भी एक रुक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, एक जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि समय का अभाव लग रहा है। मिनट का समय बाकी है हमारे पास। तो इस नए इलाके में बच्चों जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। नए बसते इलाके में कभी रास्ता क्यों भूल जाता है? तो हमने कविता के माध्यम से देखा कि कभी क्यों रास्ता भूल रहा है, क्योंकि जो पहले स्मृतियों में थी कि ये जगह, इसके बाद ये जगह आएगी, और हर रोज मकान बन रहे हैं, जी बिल्कुल, कारण वो रास्ता भूल रहा है। बदलाव जो आता जा रहा है, तेजी से बिल्डिंग बनती जा रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कभी कह रहा है कि मैं रास्ता भूलता जा रहा हूं। अगला प्रश्न है हमारा, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? तो कविता में हमारे पीपल का पेड़ का वर्णन किया गया है, पुराना टूटा हुआ ढहा हुआ जो घर है उसका वर्णन किया गया है, और खाली जगह का वर्णन किया गया है। जी बिल्कुल, तो कविता में इस चीज का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम दूसरी कविता के प्रश्न भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल। खुशबू रचते हैं हाथ की कविता के जो प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? तो कविता में आपने देखा कि खुशबू रचने वाले जो खुशबू को रच रहे हैं वे हाथ कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी में, स्लम में रहना पड़ रहा है, जिन इलाकों को हम गंदा कह रहे हैं, जबकि शहर का सारा कूड़ा उसी इलाके में हम पहुंचा रहे हैं, तो उस इलाके में रहना पड़ रहा है उनको, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो उस चीज के लिए मजबूर कर रही है। अगला हमारा प्रश्न है, कविता में कितनी तरह के हाथों की चर्चा की गई है? तो कविता में दिखाया गया है कि कटे हुए फटे हुए हाथ, उसी प्रकार से हरे भरे कोमल पत्तों के जैसे हाथ, जो छोटे बच्चों के हाथ हैं और जो छोटी बच्चियों के हाथ हैं उसका वर्णन किया गया है। तो कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि किस तरीके से मेहनत करने वाले जो लोग हैं उसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं उसमें, और छोटी बच्चियों को भी काम करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है सर इन दोनों ही कविताओं पर बहुत गहन अध्ययन करने की जरूरत है, ना कि केवल एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसे हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, बल्कि यदि हम सच में सोच विचार करें इन पर तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम सबको पता लग सकता है। जी बिल्कुल, समाज की जो स्थिति है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो कूड़ा है, जिस स्थिति को हमने बनाया है, वो
जिसमें निम्न वर्ग रह रहा है वो हमारे द्वारा ही बनाया गया, क्योंकि जो कूड़ा वगैरह है वो हमारे द्वारा ही फैलाया जा रहा है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत रचना, और हमें ध्यान देना चाहिए कि मनुष्यता कहीं ना कहीं खो ना जाए, तो इस चीज का हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मुझे बिल्कुल लगता है कि जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे सभी विद्यार्थी बखूबी इस पैगाम को, इस संदेश को समझेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और समय कम है हमारे पास, इसलिए इस सत्र को हमें यहीं समाप्त करना होगा। बने रहिए आप एनसीईआरटी के साथ। हमारा अगला सत्र है वेबिनार ऑन साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वेबिनार सीरीज, सो स्टे कनेक्टेड टू एनसीईआरटी। नमस्कार।